थाना ज्वालामुखी के अंतर्गत दरंग पंचायत में एक पेंटर ने कमरे में ही फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन की जा रही है। मामले की पुष्टि डीएसपी तिलकराज ने की है। जानकारी के अनुसार दोपहर बाद पुलिस को सूचना मिली कि दरंग में एक व्यक्ति ने अपने किराए के कमरे में फंदा लगा लिया है। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी मनोहर चौधरी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मौके पर कमरे के दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर व्यक्ति के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए देहरा भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। व्यक्ति अपने परिवार के साथ पिछले कई वर्षों से किराए के मकान में रह रहा था। व्यक्ति के दो बेटे और एक बेटी है। जब व्यक्ति ने फंदा लगाया तो घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। व्यक्ति की पत्नी भी झाड़ू पोछा बर्तन का कार्य करती है, जबकि दो बच्चे अपने घर पर जिस थे, बाकी सभी अपने अपने काम पर थे। जब व्यक्ति ने फंदा लगाया तो घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। व्यक्ति की पहचान बलविंदर, उम्र 50 वर्ष के रूप में हुई है और होशियारपुर पंजाब का रहने वाला था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए देहरा भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। ईएनटीवी के लिए ज्वालामुखी से सतीश कुमार की रिपोर्ट।